भैया से तो है नहीं कि हम सवैया जानन लगे। तो वो पंचदेव कौन है जिनकी पिंडी भी पूछती है और जिनका स्वरूप भी पूछता है। सबसे पहले भगवान शिव, जिनका स्वरूप पूछता है कि नहीं पूछता और जिनकी पिंडी पूछती है कि नहीं पूछती। और देखो भैया सब तो रह गए देव और शंकर जी हो गए महादेव। सब देव और शंकर जी महादेव। महादेव काय भाई, देखो शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ अच्छा कौन गांव में दुर्गा नहीं पूजे? दो आदमों की पूजा हो रही कि नहीं हो रही? तो ऐसे तो मुत के देवता हैं, दो दो जने पूज रहा है। अरे शंकर जी ने दो लड़का पूजवा दाए। बताओ अच्छा गणेश जी कार्तिक जी कहाँ नहीं पूज रहा है? चलो इतनी तक बात नहीं रही, खुद की पूजा पत्नी की पूजा दो लड़का पूजवा दाए, शंकर जी ने दो बहुएं पुजवा दें। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के हमारे घरे रिद्धि सिद्धि रहे? सब चाहत के रिद्धि सिद्धि रहे। अच्छा रिद्धि सिद्धि कहूँ बाजार में मिलत नहीं है? यह सुनेंगे कि तुम्हारा अच्छो पैसा है, तुम 5 लाख की बम्बई से मंगवा ले हो। कि हम के अगर रिद्धि सिद्धि पैसों में मिलत होती तो आदमी करोड़ भर की भी लेकर धर ले तो। पर वो किसी बाजार में नहीं मिलती, वो मिलती है क्रिया से, वो मिलती है क्रिया से। घर की रिद्धि सिद्धि का जिम्मा है इन माताओं का। घर में 5 गलती करियो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकती। कहू जे 5 गलती कर दें तो पति के हाथ पे लक्ष्मी काय ने बैठी हो मनो वो रेह कंगाल परेशान ही रहे तुम्हारे घर बाव जिंदगी भर। गलती करो तुम और भोगने पर है पति को। 5 गलती कौन सी? क्योंकि तुम्हारे साथ एक नाम जुड़ा है धर्म पत्नी। इतने जितनी बैठी जे बहने अपने अपने पति की धर्म पत्नी आए, तुम्हारों में एक धर्म पति बैठो लगो तुम्हारों के नाव के हम उनके धर्म पति आए। इनके साथ धर्म लगा है, तुम्हारे साथ धर्म नहीं लगा है। तो 5 गलती ये हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली गलती, घर में कमो रात में आटो सुनो उसना उन्हें धरियो फ्रिज में। जिसके घर में उसना उसनाया हुआ आटा रखा रहता है उस पत्नी का पति परेशान रहता है। आजकल जो फैशन बन गाओ हर घर में आटो धरो जान लगो जब से फ्रिज चल गए। अच्छा एक कारण और है, वो को पेल की मताई हरे हती बिना पढ़ी लिखी और अब घरवारी में रही पढ़ी लिखी। जा हमने ऐसे हिसाब लगा लो कि पत्नी पढ़ी लिखी और मतारी बिना पढ़ी। पहले अपन मताई से रोटी मंगाते एक और बापर सत्ती दो बगिनत ने हती उखो तो यह सो लगा तो हम मोड़ा कितनी खा ले गए। रोटी मांगते एक और बापर सत्ती दो अब मिल गई पढ़ी लिखी सुबह डिब्बा में आटो बाद में नकारा थे। पेल घर वाले से कहते आप कितनी खाओगे? और जो बेशरम कहते दो उनने दो भी लिया आटो डारो दो रोटी अगर खात खातो खो और भूख लगी आई तो मुंह में का तबा धर देवता तो के जो चल ले। अब बताओ गिन के रोटी बनन लगी रे आदमो के घरे। आज जा दिक्कत है प्यारे हर घर में 14 जोड़ी चप्पले तो हैं घरे, 14 जोड़ी कपड़ा है घर में मर मटेली में दो रोटी नहीं है। तुम इतने पैसा वारे हो गए? 14 जोड़ी चप्पले हैं पर 4 रोटी नहीं है। अगर कोई अर्जेंट तुम्हारे घर रोटी खावे आ जाए तो खुद 2 रोटी नहीं दे सका तुम का अब भाई बना दे रहा गरम। ये कौन सी तरक्की है कि चप्पलों को ढेर लग गया और रोटी की मटेली खाली हो गई? कई पैसा बारे हैं है? रात में फ्रिज में उसनो उसना वाटो ने धर क्यों भूल के कबाऊ। दूसरी गलती, घर को झाड़ू छुपा के रखो। बाहर को आदमी तुम्हारे घर को बहरा नहीं देख पाए, बहरा फेरो और लुका दो छुपा दो। जितने लोगों की नजर तुम्हारे घर के झाड़ू पे पड़ेगी वो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि ले जाएगा और अपनी विपत्ति तुम्हारे घर में छोड़ जाएगा। झाड़ू को साधारण नहीं जानियो भैया हरो, हम एक उपाय बता रहे तुम्हारे किसान बैठे हो करके देख लियो। अब बात झूठी पड़ जाए तो पथरिया में बुला के नाक काट लियो। बिल्कुल ऐसी कथा नहीं है कि बे तो दाई बात है और घर भग गए जो काम ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी खरी खरी बात हुई है। कभी तुम्हारा घर का पुराना झाड़ू टूट जाए वो के और हल्के हल्के टुकड़ा कर लियो, एक लाल कपड़ा में बांध लियो या पीले कपड़ा में वो बह राखो। गुरुवार को दिन पुख पर जाए नक्षत्र, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत की ईशान दिशा में एक हाथ को गड्ढा करके वह पुटरिया गड़ा दियो। अगर 1 साल तक वो जगह में ककड़ा पड़ जाए तो विपिन बिहारी नाक काट लियो। जो प्रभाव है उस खेत में कंकड़ नहीं पड़ते जिस खेत में घर का पुराना झाड़ू गाड़ दिया जाता है। कभी घर में घर का पुराना झाड़ू एक गमला में जो मुहूर्त हमने बताओ है वो मुहूर्त में एक गमला में वो झाड़ू पुटरिया में दबा के
छत पे धर दियो, एक साल तक तुम्हारे घर पे टोटका टोना जादू ऊपरी आधा बाधा प्रवेश नहीं कर सका। ये प्रभाव है इन चीजों के, तो घर को झाड़ू लगा के छुपा के रख दो, चाहिए कोई दूसरों ने देखे। तीसरी बात, ने तो को खुद के घर ऐसे बैठ गयो, और अगर को आ जाए तो कितना खास हो वो भगा दियो, ऐसे ने बैठन दियो अपने घरे को। जितनी देर तक आदमी तुम्हारे घरे ऐसो बैठो है, वो अपनी विपत्ति तुम्हारे घरे छोड़ रहा हो। यह सबसे खराब आसन है, दरिद्रासन कही जाते। ये आसन ना तुम लगाना कभी घर में, और ना किसी को लगाने देना, ये आसन ठीक नहीं है। चौथा काम, पत्नी को पति से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो पति के उठने के बाद भी पत्नी बिस्तर में पड़ी रहती है, वो अपने पति के भाग्य का नाश करती है। और पांचवा काम, माताओं ध्यान से सुन लेना, भोजन करवे के बाद हाथ शुद्ध जल से धो चाहिए तुम्हारो। वैसे तो सबको धो चाहिए, मनो अब तो को नहीं धो रहा हो, ईमानदारी बताओ। वही गिलास से पानी पियो मुंह में लगा के, और वही से तुमने हाथ धो लाए, तुम्हारे हाथ शुद्ध हो गए। अब तुम्हें पूजा पाठ को अधिकार है, तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रे है। ऐसे पहल जब भोजन होते तो लोटा गिलास धरो जात, तो गिलास से पानी पी है, लोटा से हाथ धोए तो हाथों की शुद्धि। और अब तो जब से ये बफर चले हैं रे, ऐसी सत्यानाश भाई है, क्या मचो नहीं कि ऐसे आदमी खा ले। बफर में आधा घंटा बाद सलाद की टेबल देखियो, ऐसो लगा जैसे ऊपर कुत्ता लड़ पा रही हो। कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ टमाटर धरे थे, कहाँ प्याज धरी थी, और कहाँ नींबूआ धरे थे। कारे कई और कई उन तरह किया कल ले अपन ने, 20 तोला की रे चैन पे रहे, अब प्लास्टिक की प्लेट लाए गार्डन में फिर रहो एक एक रोटी को। एक वो भगत गए थे तुम 25 लाख की गाड़ी में बैठ के, 25 लाख की चैन पे रहे, 25 लाख की गाड़ी अब प्लेट लाए फिर रहो गार्डन में एक एक रोटी के लाने। अगर घर की घरवारी 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में, तो आदमी आंख काड़त, अरे तुम खुआव नहीं चाहत, माओ चित्त नहीं है, तुम चाहते ही नहीं है हम खा लाए। और तंदूरी बारे के आध घंटा को ठाणो प्लेट लें, जैसे कि 50,000 गिना लाए हुए कांगा। और वो समय पेल के ऐसी पंगते नहीं, क्या पंगते होती यार, पंगत पूरी हो गई, परसा एक तरफ बैठ गए, फिर कौन गाँव को भलो आदमी आओ कहा परसा नहीं दिखा रहे, बोले दाऊ हो गई पंगत। अब कहाँ से हो गई, एक एक पूरी हमारी तरफ से लग चले है, अब फिर क्यों उठी पूरी से एक एक, फिर परसी गई जो एक आध जने और आ गए कहा बेई है यार खास हमारी तरफ से नहीं, कहो दो दो चार चार पूरी हो जाए। ईमानदारी बता दे तुम कितना करोड़पति गए हो बफर में, आज तक उन्होंने तुमसे कही कि एक हमारी तरफ से ले लीजो, वो जा कहत के तुम्हारी तरफ की ने लीजो, कहा से प्लेट के पैसा लग रहा है, तुम तो लिफाफा दे और इतने से ढीले हो। क्या समय है, तो आर अगर मई की बाल्टी उते दिखा गई तो अपन ने दोना को मई पी लाओ के फिर कह ले अभी सब खत्म होगा। निवेदन बस हम आपसे ये कर रहे हैं कि भोजन करने के बाद हाथ शुद्ध जल से धोने चाहिए, और माताएं अगर ये 5 नियम बना लें तो उनके पति की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। तो शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, दो ही बंगे पुजवा दई, अरे दो ही लड़का पुजवा दाए, और रई खुरी का सर हती सो दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो, ये कुआ शंकर जी के नाती आए गणेश के बाल बच्चे के नोई। एक दिना देवताओं ने करी बैठक, बोले अपन रह गए देव, अजय हो गए महादेव, पूरा खानदान पूज रहा हूँ इनको, पूरा खानदान पूज रहा है तो हम देव और ये महादेव। तो बात चल रही है पंच देवों की, किन किन की पिंडी पूजती है और किन का स्वरूप। तो सबसे पहले भगवान शिव, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है,